हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समीपवर्ती बागसिंह गांव में सोलंकियों की दाणी नामक कृषि कुएं पर रविवार दोपहर करीब 1 बजे अज्ञात कारणों से रहवासी झोपड़ों में आग लगने से घरेलू सामान व फसल पैदावार जलकर राख हो गई। ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार मीणा ने बताया कि आग लगने की सूचना पर सरपंच पूरण सिंह देवड़ा के साथ मौके पर पहुंचकर पंचायत से पानी के टैंकर मुहैया करवाए गए और मजदूरों की सहायता से आग बुझाई गई। कृषि धीरेन्द्र सिंह भूर सिंह रावड़ा ने बताया कि वह परिवार सहित झोपड़ों में रहता है। वे सभी खेत में काम कर रहे थे कि झोपड़ों में अचानक आग लग गई। धुआं उठता देखकर झोपड़ियों की तरफ दौड़े, पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे झोपड़ों में रखे कपड़े लत्ते, 5 खाट, बिस्तर, 2 बोरी गेहूं व चावल समेत घरेलू सामग्री एवं बक्से में रखे 5,000 रुपए नगद और 1.5 तोले सोने की कंठी, झोपड़ी के पास करीब 500 फीट एरिया में खड़ी गेहूं की फसल जल गई। मौका मुआयना कर नुकसान की फर्द तैयार की गई। मौके पर आग बुझाने की पानी के टैंकर के चालक व मजदूरों ने सराहनीय सहयोग किया। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।